अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं आप सबके। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनके तैयार हुई थी। यहाँ मैंने ली है 1 किलो गाजरें और उनको अच्छी तरह से धो के छील के एक्स्ट्रा पार्ट्स अलग कर दिए थे और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अच्छा, मेरे पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का कद्दूकश है, काफ़ी पुराना है लेकिन मैं उसी से करती हूँ। बस थोड़ी देर में गाजरें मैंने छील के काट के अलग कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने कद्दूकश को तैयार किया। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ उसकी प्लेट्स हैं उसके हिसाब से सेट करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखिए इस तरह का है। मैंने इसमें ऐसी प्लेट सेलेक्ट की है जिसमें इसके छोटे चंक्स बने हैं। कुछ ही देर में ये आराम से कद्दूकश हो गई थी, बहुत बारीक बहुत अच्छी। और बस इनको मैंने एक बाउल में जमा कर लिया। अच्छा, आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं बड़ी अच्छी गाजरें आई हुई हैं तो आप लोग जो हैं सब्ज़ी वाले से ये कह के भी गाजरें ले सकते हैं कि हलवे के लिए बनानी है तो आपको उसके हिसाब से गाजरें देगा। अच्छा, फिर हमने अब क्या किया है कि कढ़ाई में कद्दूकश की हुई गाजरें डाल दी हैं और कुछ नहीं अभी ऐड किया फ़िलहाल। 1 से 2 मिनट हमने इसको चलाया है और अब हम चीनी ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 कप। अच्छा, 1 किलो गाजरें ली थी, उसके बाद उसकी जो हमने चटाई की और कटिंग वगैरह करने के बाद वो 900 ग्राम रह गई थी और अब उसकी हमने 1 कप चीनी भी ऐड कर दी है। हम इसको वैसे ही पकाएंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अच्छा देखिए, पानी छोड़ रही है, गाजर भी पानी छोड़ेगी और चीनी भी पानी छोड़ेगी। लेकिन हमने इसको जब तक पकाना है जब तक पानी मुकम्मल तौर पे खुश ना हो जाए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। आप इसको खुला छोड़ दें ताकि पानी जल्दी खुश हो। इसी तरह चलाते रहें, पानी खुश होता रहेगा और भुनता भी रहेगा। अच्छा देखिए, अब इस स्टेज पे क्या है कि पानी मुकम्मल तौर पे खुश हो गया है। मुस्तकिल चलाना है और आपको इसको भूनना भी है। अब हमने डाला है इसमें तकरीबन 50 ग्राम घी। अच्छा, घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन ये कि घी डालें तो अच्छा है और इसके अलावा ये है कि थोड़ा कम डालें, वरना आमतौर पे क्या होता है हलवा बनने के बाद घी अलग सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारा घी, हमने इसे 50 ग्राम डाला है इसके अंदर। अब देखिए घी पिघल गया है और हम भून रहे हैं इसको अच्छी तरह से। 5 से 10 मिनट आप अच्छी तरह से भून लें। अब देखें घी इसमें गायब हो गया है। जब अच्छी तरह से भून जाए तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। और साथ में जायफल जावित्री पाउडर भी हम 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अब ये है कि मिल्क पाउडर ऐड करना है लेकिन थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक आप इसको ठंडा कर लें। गर्म में भी शामिल कर सकते हैं लेकिन असल में ये बहुत अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो आपको इतना नज़र नहीं आएगा, तो अगर आप थोड़ा ठंडा कर लें हलवे को भूनने के बाद तो आप मिल्क पाउडर ऐड करें 1/2 कप। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब मिक्स कर लिया था मिल्क पाउडर तो उसके बाद फिर मैंने खोया भी ऐड किया है। खोया तकरीबन 1/2 पाव मैंने इसमें डाला है अंदर मिक्स करने के लिए। टोटल वैसे मैंने 1 पाव इस्तेमाल किया है, गार्निशिंग में भी इस्तेमाल हुआ है और अभी इस वक्त जो मैं शामिल कर रही हूँ वह मैं 1/2 पाव डाल रही हूँ 125 ग्राम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब देखें छोटे चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं विजिबल भी है कहीं कहीं नहीं है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और देखें कितनी परफेक्ट इसकी शक्ल आई है हलवे की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो इनमें से कोई एक चीज़ स्किप कर सकते हैं, या तो मिल्क पाउडर और या फिर आप खोया, दोनों डाल दें तो अच्छी चीज़ है लेकिन इनमें से आप कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा हलवा बनेगा।
अच्छा, यहाँ पे मैंने तीन तरह की सर्विंग सिखाई है, कराची स्टाइल, एक पंजाब स्टाइल और एक हलवाई स्टाइल। तो तीनों ही बहुत ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आया था। अच्छा, पहला हम जो है कराची स्टाइल में हम सर्व करेंगे। इसमें हमने अखरोट डाले हैं। अच्छा, मेरे पास मूँगफलियाँ थी तो मूँगफलियाँ भी डाल दी मैंने, वरना आप बादाम भी डाल सकते हैं। अच्छा, चांदी का वर्क हो गया, इसके अलावा टूटी फ्रूटी बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी कि आप इसमें खोया भी ऊपर से स्प्रिंकल करें ज़रूर कराची वाले अंदाज में। अच्छा, अभी दूसरा जो है ये पंजाब स्टाइल में। अच्छा, क्योंकि पंजाब स्टाइल में आमतौर पे अंडे उबले हुए रखे जाते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक टेस्ट है। इस तरह से अंडों के कतले स्लाइसेस काट के प्लेट के ऊपर आप सजा दीजिए, बहुत ही टेस्टी था ये भी। अच्छा, तीसरा अंदाज हलवाई स्टाइल होगा। इसमें क्योंकि एक लेयर पूरी दी हुई होती है ऊपर खोए की, तो उसके लिए मैंने ये किया है कि आधा पाव खोया एक चमचा तेल में डाला है और मैंने उसको थोड़ा मेल्ट कर लिया है, और फिर जब मेल्ट होने के बाद ही इजीली हलवे के ऊपर स्प्रेड हो गया था। किसी स्पैचुला की मदद से आप जो हैं इसको आराम से स्प्रेड कर लें। अच्छा, ये प्लेट के बजाय आप किसी बाउल में भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा लुक आएगा। आप चांदी का वर्क लगा दें, बहुत ईजी लग जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, उसी तरह फिर इसके ऊपर आप बाकी गार्निशिंग कर दें, अखरोट, बादाम, टूटी फ्रूटी। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, और भी अगर आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, इसको आप टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी लेयर बनी है इसकी, और यकीन करें बेहद टेस्टी ये हलवा बना था। अच्छा, अभी हमारा थोड़ा पंजाब का स्टाइल है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हल्का सा नमकीन और मीठा, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना ऑसम था। आखिर में हमने कराची स्टाइल को टेस्ट किया था और वो तो बहुत ही अच्छा था, सारे ही हलवे बहुत अच्छे तरीके से बने, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तीनों तरह से करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और चलें वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।